जबलपुर का विद्याधर नगर स्टेडियम आज किसानों से आबाद रहा। जाकर माफी के ऐलान के बाद किसानों को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी शंखनाद करते हुए सरकार बनाने का दावा किया और साथ में वादा भी किया कि वे केंद्र में सरकार बनने पर पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। राहुल गांधी को मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चरखा भेंट किया। वही सचिन पायलट राहुल को साफा पहनाया है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि राजस्थान के किसान को दुनिया के हर डाइनिंग रूम में अपना अन्न और सब्जी पहुंचानी होगी और इसके लिए कांग्रेस सरकार राजस्थान के हर कोने में फूड प्रोसेसिंग का काम करेगी और मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही राहुल ने कहा कि केवल कर्ज माफी से कुछ नहीं होगा, नई हरित क्रांति की तैयारी करनी होगी। राहुल ने जनता को मालिक बताते हुए कहा कि उनके दरवाजे किसानों के लिए हर समय खुले हैं। वैसे अशोक गहलोत ने भी रैली को संबोधित करते हुए किसान आयोग के गठन का ऐलान किया। साथ ही बड़ी सौगात देते हुए कहा कि 5 साल तक किसानों के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। साथ ही गहलोत ने जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन देने का भी ऐलान किया। वही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद की जाएगी। वही सचिन पायलट ने कहा है कि राज्यों में कर्ज माफी के बाद पूरे देश के किसानों की उम्मीदें कांग्रेस के साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस ने सभा में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटने का दावा किया। हिंदुस्तान के हर नागरिक का पेट भरने का काम किया, उसी प्रकार हिंदुस्तान का किसान आने वाले 5-10 सालों में अपने खेत को दुनिया के हर डाइनिंग रूम के प्लेट से जोड़ दे। हिंदुस्तान के किसान का अनाज, हिंदुस्तान के किसान का फल, उसकी सब्जी जयपुर जैसे शहरों के डाइनिंग रूम में जरूर खाया जाए। एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। हरी क्रांति ने देश को रोटी भोजन देने का काम किया था, अब एक नई सोच की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एक नई हरी क्रांति की तैयारी करी जाए और हमारे दरवाजे राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के कमजोर लोगों के लिए आपको खुले मिलेंगे। जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलए हैं, मगर मालिक राजस्थान की जनता है। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं और हमारा काम आपकी आवाज सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है और जो आप हमें बताओगे उसको करने का है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मालिक राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान और या राजस्थान के युवा हैं। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया, जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमन जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। किसान आयोग का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले वक्त में हम लोग किसान आयोग बनाएंगे। पुणे किसानों के साथ संबंध स्थापित करके
उनकी भावना क्या है, उसके आधार पर सुझाव आएंगे, उसके आधार पर हम लोग फैसला करना शुरू करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लघु व सीमांत किसान को पेंशन मिलेगी, वो अलग पॉइंट होगा, पर खेतों के अंदर जो इकाइयाँ लगाएगा फूड प्रोसेसिंग की, उसकी 10 हेक्टर तक जमीन, उसको लैंड यूज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ इस मुबारक मौके पर। भूमि रूपांतरण के बगैर वो अपनी इकाई लगा पाएगा। 1 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसानों की मांग को देखते हुए अगले जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारी सरकार 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी। आज फिर मैं घोषणा करता हूँ।